बाकी चोरों ने बहुत परेशान कर दिया है बारिक सिंह, अब तो इनका कुछ करना ही पड़ेगा। सच में सर, हमारा जीना हराम कर रखा है इन्होंने। किसका जीना हराम कर रखा है? हम दोनों का सर। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारा जीना हराम कैसे कर रखा है? सर देखिए, ना दिन को चैन है ना रात को सोने को मिलता है, 24 घंटे घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आजकल हम लोग रात को सोते भी नहीं है। ओ, सर अरे अरे, इन गुट्टों को क्या हो गया भाई? पता नहीं सब हम लोगों की हालत है, बस्ती चोरा है, बुड्ढे बना के हम लोगों को चले गए। मैं 25 साल का था। क्या 25 साल का था, ऐसा बना दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन पहचानेगा? अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बुरा हो गया। मैं 22 साल का था। क्या तू 22 साल का था? अरे तुझे ऐसा बना दिया? मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी शादी भी नहीं। अरे रे 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 रे। अरे बारिक सिंह, ये क्या हो गया यार? अरे बारिक सिंह, ये क्या हो गया यार? बारिक सिंह, इनका कुछ करना पड़ेगा यार। ये क्या हो गया बारिक सिंह? बस्तियां गायब, दो गुंडे हो रहे हैं। बारिक सिंह जल्दी से तू इनकी रिपोर्ट लेके आ। फाइल क्या फाइल लेके आ, बारिक सिंह रिपोर्ट लेके आ। हे भगवान, हे भगवान, इन जादूगरों से कौन छुटकारा दिलाएगा भगवान? पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। भवानी सिंह, कौन इनसे छुटकारा दिलाएगा तुझे? भवानी सिंह, तू नहीं बचेगा। मैं रिपोर्ट लिखूं सर? क्या? मैं रिपोर्ट लिखूं सर। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? हे भगवान, इन बुड्ढों की। कौन से बुड्ढे? ये बारिक सिंह भी मुझे अलग ही तंग करता रहता है। मेरे ख्याल से तो एक ही आदमी उनसे निपट सकता है। कौन? जूनियर जी। हाँ, जूनियर जी उनसे निपट सकता है। ए मोंटी, जूनियर जी तेरा दोस्त है ना, उसे बोलना है खबर। अरे पर क्या है ना, आजकल वो बीमार पड़ा है, परीलोक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, लेकिन तुझे किसने बताया कि वो बीमार है? वो क्या है ना, उसका टेलीफोन आया था, एक हफ्ते से तो मुझे मिलने भी नहीं आया। गौरव फेंकता है यार, हमेशा फेंकता रहता है, तू इसकी बातों में मत आ। मेरी मान, अपने चाचा चाची के साथ शहर छोड़ के चले जा। चल अब हम लोग भी निकलते, बाय। ये फिमांचो के अलावा और किसी की करतूत नहीं हो सकती। आप दोनों मेरे साथ चलिए। सर। जय हिंद। उन बस्ती चोरों का कुछ पता लगा? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही उनका पता लगा लेंगे। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, कुछ कीजिए आप। हाँ हाँ, कुछ कर रहे हैं सर, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, अब तक 16 बस्तियां चोरी हो चुकी हैं। अगर ये बात बाहर जाएगी तो पब्लिक में दहशत फैल जाएगी, इस बात का अंदाजा है आपको? हाँ सर, वो अंदाजा है सर, लेकिन सर वो कोई मामूली चोर नहीं है। ये बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, और इसलिए उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी है। सर मैं आपको 15 दिन की मोहलत देता हूँ। 15 दिन? अरे सर 15 दिन बहुत कम होते हैं, और 15 दिन इससे ज्यादा एक दिन नहीं मिलेगा आपको। आखिर मुझे भी जवाब देना होता है। वो कोई बकरी के बच्चे हैं जिन्हें 15 दिनों में पकड़ लूं, कमाल करते हैं। हाँ लेकिन ये पकड़ना किसको है? पता नहीं इस शहर का क्या होगा, रोज कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। अभी देख लो, मिसाइल का मामला ठंडा पड़ा नहीं कि बस्तियां की बस्तियां गायब हो गई। घोर कलयुग आ गया है, पता नहीं इस शहर का क्या होगा। मम्मी, हम वापस कब आएंगे? कभी नहीं, हम लोग सब नाना नानी के घर जा रहे हैं, वहीं अच्छे से रहेंगे, और तुम्हारा भी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। अब तो बस जूनियर जी ही कुछ कर सकता है, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा। सुधा, टिकट्स तो मैं ले आया हूँ, लेकिन 2 दिन बाद की मिली है। क्या कहा, परसों की टिकट? अरे आज रात ही बस्तियां गायब होगी तो हम लोग का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, क्या बेकार की बात कर रही हो, पुलिस अपनी खोजबीन कर रही है ना। तुम कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है 12 की 12 बस्तियां गायब हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेज सभी जगह छुट्टी कर दी गई है, और पूरे शहर को कहा गया खाली कर दे, और तुम कहते हो कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है पूरे शहर में कितना खतरा बढ़ गया है? अरे मुझे सब पता है, लेकिन अगर 2 दिन बाद की टिकट मिली है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। पापा, हम परसों तक वेट कर सकते हैं, हो सकता है ये खबर जूनियर जी तक पहुँच गई हो और वो शैतान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। काश इस बार भी जूनियर जी का जादू चल ही जाए। जो 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 जो।
अरे ये तो जूनियर जी है। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, वरना तुम मुझे मार डालोगे। जूनियर जी को मारना इतना आसान नहीं है बच्चू। और कुछ करना होगा। अरे इनका तो जूनियर जी भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इन पर तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ये इडियट गौरव पता नहीं कहाँ चला गया। वेर वेर उसको मालूम नहीं बस्ती खाली होने का ऐलान हो गया है। कहीं तुमने तो उसे बाहर नहीं भेज दिया। What you think? I'm mad? मैं उसे बाहर क्यों भेजूंगी भला? तो फिर कहाँ गया होगा? होगा कहीं आवारा गर्दी करता, सारा दिन घूमता रहता है पता नहीं कहाँ कहाँ। मम्मा हम लोग चलते हैं। ए राहुल बेटा डोंट बी सेल्फिश ओके, भाई है तुम्हारा वो। हे भगवान वो मैजिक लोग बस्ती गायब करेंगे और फिर वो लोग। देखो तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं गौरव को लिए बिना नहीं जाऊंगा। हे भगवान मेरा तो बैड लकी खराब है जो मेरी इनसे शादी हुई।
मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं। अब चुप भी रहोगी? और एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक गौरव नहीं आ जाता हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा, समझी? शांति शांति, देखो भाई देखो, अरे देखो, मेरा वो मतलब नहीं था शांति। देखो हम लोग वैसे ही इतने परेशान हैं, ऊपर से अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं यहाँ कैसे आया? मेरी जादुई शक्ति से। प्रोफेसर बर्नांडो, आप? मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि तुम टेंग्रीला ग्रह के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे हो। उन सैनिकों ने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जिसका तोड़ तुम्हारे पास नहीं था, फलस्वरूप तुम बेहोश हो गए। लेकिन उसी समय मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन प्रोफेसर बर्नांडो, मेरी शक्तियां उन पर कुछ असर नहीं करती। बेटे, टंगरीला ग्रह हम लोगों से 100 वर्ष आगे चल रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं, वो शक्तियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन प्रोफेसर बर्नांडो, उन्हें रोकना होगा, वरना तबाही मचा देंगे। तुम्हारे रहते ये नौबत कभी नहीं आ सकती। लेकिन प्रोफेसर, डर गए बेटे, घबराओ मत। अब मैं तुम्हें नई शक्तियां दूंगा, वो शक्तियां जिनका प्रयोग करके तुम टंगरीला ग्रह के सैनिकों को आसानी से काबू में कर सकोगे। जय काल बाबा। लानत है आप लोगों पर, आज 13 दिन हो गए लेकिन उन बस्ती चोरों का कुछ पता नहीं है। वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। 36 बस्तियां चोरी हो चुकी हैं, लोगों के अंदर दहशत फैल रही है, शहर खाली हो रहे हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। सर, सर वो कोई मामूली चोर नहीं है सर, उन पे गोली और बंदूकों का भी असर नहीं होता है सर। तो तोप चलवाइए, तोप मिसाइल चलवाइए, पूरी मिलिट्री बुलवाइए, मैं आपको हर तरह की छूट देता हूँ। किसी भी कीमत पर मुझे वो चोर चाहिए, समझे आप? हाँ सर। इससे पहले कि शहर खाली हो आप लोगों को कुछ करना होगा। हाँ सर। And it's an order. ओके सर। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से कौन छुटकारा दिलवाएगा? जूनियर जी, जूनियर जी, अरे जूनियर भैया कुछ करो, देखो तेरे भवानी सिंह की क्या हालत हो रही है। सुदर्शन आया है अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, करेगा जूनियर जी अपना, पूरा कर देगा ये सबकी आंखों का हर सपना। छोटा है ये उम्र में लेकिन आ जाता है ये जब भी, बच्चों से दादा तक बोले आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर।
बत्ती की ज्वाला की तरफ देखो जूनियर जी। ज्वाला के ऊपर टिकटिकी बांध कर देखते रहो, यही शक्ति है। ज्वाला में शक्ति का आभास करो, ये ज्वाला ही शक्ति है। शक्ति का आभास करो, इस शक्ति को अपने अंदर समा जाने दो, अपने अंतःकरण तक इस शक्ति को समा जाने दो। समा जाने दो इस शक्ति को अपने शरीर में। ये ज्वाला शक्ति है, महाशक्ति। अब तुम्हारे पास वो अद्भुत शक्ति आ चुकी है जिसका प्रयोग करके तुम टंगरीला के सैनिकों पर आसानी से काबू पा सकते हो। काल बाबा की शक्ति अब तुम्हारे साथ है बेटा। प्रोफेसर बर्नांडो, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पापियों का सर्वनाश कर सकूं। सुबह के 4 बज गए, वो लोग अब तक क्यों नहीं आए? लगता है उनको पता चल गया कि भवानी सिंह यहाँ ड्यूटी कर रहा है। या तो वो डर गए या फिर सो गए। हरी सिंह। यस सर। ये लोग सोते क्यों हैं? सर सर, लगता है वो मौत के फरिश्ते आ रहे हैं। मौत के फरिश्ते? धीरे बोलिए सर। धीरे बोलिए। अरे धीरे बोलिए ना, वो मौत के फरिश्ते आ रहे हैं। मौत के फरिश्ते आ रहे हैं? ये मौत के फरिश्ते कौन है? सर वही जिनका हम कल रात से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चुप, उन्हीं बस्ती चोरों का। बस्ती चोर? आने दो उनको। सुनिए आवाज। दिखाता हूँ भवानी सिंह का कमाल और बारिक सिंह का धमाल। बारिक सिंह। यस सर। ये पुकु पुकु, ये है कौन? सर यही तो वो है बस्ती चोर। चोर? जिनका हम कल रात से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कल रात से? किसका इंतजार कर रहे हैं? इन्हीं लोगों का। इन्हीं लोगों का? अच्छा अच्छा। क्या हो गया सर? बारिक सिंह। सर अब क्या होगा बारिक सिंह? अरे बारिक सिंह। यस सर। अब क्या होगा मेरी बीवी का?
अरे इंस्पेक्टर साहब। यस सर। आप बूढ़े? अरे वही, पहले वो लाल पीले, अब तुम हरे नीले। अरे क्या बात है भाई, कौन हो तुम? मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन बान और शान। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, अरे जूनियर जी, अरे कुछ करो जूनियर जी। अरे देखो उन लोगों ने क्या बना दिया जूनियर जी। अरे जूनियर जी, मेरी तो नई नई शादी हुई है, रोको उनको, उन लोगों ने मुझे बूढ़ा बना दिया, हमारी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ जूनियर जी। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई जूनियर जी। आप फिक्र मत कीजिए। बस बस, इससे पहले कि बस्ती चोर और तो भाई मचाए, उन्हें पकड़ना चाहिए। फिर से आगे हमारे रास्ते में, हट जा हमारे रास्ते से। मौत रास्ते से नहीं हटा करती। तुम्हारे इन खिलौनों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, वैसे भी फूलों से गोलियां नहीं बरसती। तुम लोगों से लड़कर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे तुम्हारे बॉस के पास जाना है। वैसे भी काल बाबा के महापास से तुम लोग बच नहीं सकते। जय काल बाबा।
काल बाबा की इस पवित्र अग्नि से तुम्हारी जादू शक्तियां नष्ट हो गई। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जाओ, इंस्पेक्टर भवानी सिंह के जेल में बंद हो जाओ। उस बेचारे की नौकरी खतरे में है। कौन है जो हमारे आराम में खलल डाल रहा है? आशुबुल कोशे। क्या हमारे सैनिक बंदी बना दिए गए? वो भी एक बच्चे ने? हो ना हो, ये जरूर उस जूनियर जी का काम है। अच्छा है, शिकार खुद जाल में फंसता जा रहा है। अब आएगा मजा। फंस गया तू जूनियर जी। फंस गया तू जूनियर जी। अब तू फंस गया। बारिक सिंह, अरे बारिक सिंह। यस सर। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं सर, मुझे इतना पसीना भी आ रहा है। अरे हाँ सर। तो फिर सपना मैं नहीं देख रहा? अरे नहीं, कोई सपना नहीं है सर। तो फिर ये क्या है? क्या सर? ये पीछे देख। घबरा मत। ये यहाँ कैसे आ गए सर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से आ गए? सर पास मत जाइए सर, वरना वो हमें फिर से बुड्ढा बना देंगे। नहीं, ये हमें बुड्ढा नहीं बना सकते। ये देख, इनके हाथ बंधे बंधे है ना? हाँ सर। तो हमें बुड्ढा नहीं बनाएंगे। अरे और उनके मुंह में चिट्ठी भी है, जा वो चिट्ठी लेके। मैं सर? और नहीं तो क्या, मैं जाऊंगा। सीनियर कौन है? आप। ऑफिसर कौन है? आप। बड़ा कौन है? आप सर। तू चिट्ठी लेने कौन जाएगा? आप सर। अरे मैं जाऊंगा। नहीं तू जाएगा, तू जा जल्दी लेके आ। जा खोल, जा। डर मत बारिक सिंह, डर मत। जा लेके आ। जा ले। हे भगवान, मैंने इनकी जादुई शक्तियां खत्म कर दी हैं। इन्हें संभाल के रखिएगा जूनियर जी। थैंक यू जूनियर जी। जूनियर जी तुमने मेरी नौकरी बचा ली। जूनियर जी मेरी बीवी से मुझे बचा लिया। जूनियर जी यू आर ग्रेट। जूनियर जी तुम हो महान, तुम बढ़ाओगे हमारे देश की शान। जूनियर जी की जय। जा, आजा, हो जा। हमारा ग्रह धरती से 100 साल आगे है। हमारी जादुई शक्तियों का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये लड़का जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ग्रेट फ्यूमांचो ने कहा था कि उन्हें इस लड़के की तलाश है। जूनियर जी को हम उनके सामने तोहफे के रूप में पेश करेंगे। हाशे। सैनिक, जूनियर जी को पकड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ग्रेट फिमांचो। मैडम लिंडा। प्रिंसेस अल्फा, हमने सुना है कि आपके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। दुनिया को जीतने का ख्वाब देखने वाले मामूली बातों से घबराते नहीं है मैडम लिंडा। ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। Thank you.
लोग आज रात को टीवी टावर, रेलवे स्टेशन और रेडियो स्टेशन उड़ा दो। आशा, आशा, आशा। जाओ। पग उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पापा हम चलते हैं, कब तक उस गौरव का वेट करेंगे? राहुल तुमने फिर अपनी मम्मी की तरह बातें करना शुरू कर दी, अपनी माँ की तरह मत बनो बेटे। कहाँ चला गया गौरव? अरे गौरव मेरे बच्चे कहाँ चला गया था तू? चाचा जी कहाँ जाएगा, ये गया होगा आवारा गर्दी करने, रोमिंग रोमिंग। अच्छा जरा चुप भी रहो। एक विशेष सूचना, जनता से अपील है कि वो लोग शहर छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि बस्ती गायब करने वाले जादूगर अब पकड़े गए हैं। अब किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। और इस अनोखे कारनामे को अंजाम दिया है इंस्पेक्टर भवानी सिंह ने, उन्होंने जादूगरों की एक पूरी टोली को पकड़ा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पेक्टर भवानी सिंह से। नमस्कार नमस्कार। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखिए मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा काम ना करें, जनता में दहशत ना फैलाए, लेकिन वो नहीं माने। हाँ वो नहीं माने तो मुझे गुस्सा आ गया, और मुझे गुस्सा आ गया तो आपको तो मालूम ही है, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर। और मैंने उन्हें उठा के बंद कर दिया, और अब हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और जल्द ही हम उनके गिरोह तक पहुँच जाएंगे। हाँ लेकिन मेरी जनता से एक खास अपील है कि वो शहर छोड़ के कहीं ना जाएं, अपने घरों में रहें, अपने पूरे बच्चे परिवार के साथ रहें। जब तक भवानी सिंह है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है, भवानी सिंह पे पूरा विश्वास होगा। ठीक है नमस्कार। देखने से तो नहीं लगता था मगर ये भवानी सिंह तो बड़ा बहादुर निकला जी, कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया इसने। तुम्हारे नापाक इरादे कभी काम में नहीं हो सकते दुश्मनों, सारी बस्तियां मैंने अपनी सीमा रेखा के अंदर बांध रखी है। हमारा ग्रह धरती से 100 साल आगे है, हमारी जादुई शक्तियों का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये लड़का जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ग्रेट फ्यूमांचो ने कहा था कि उन्हें इस लड़के की तलाश है। जूनियर जी को हम उनके सामने तोहफे के रूप में पेश करेंगे। सैनिक, जूनियर जी को पकड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ग्रेट फिमांचो, मैडम लिंडा, प्रिंसेस अल्फा, हमने सुना है कि आपके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। दुनिया को जीतने का ख्वाब देखने वाले मामूली बातों से घबराते नहीं है मैडम लिंडा। ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट।
तुम लोग आज रात को टीवी टावर, रेलवे स्टेशन और रेडियो स्टेशन उड़ा दो। जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पापा हम चलते हैं, कब तक उस गौरव का वेट करेंगे? राहुल तुमने फिर अपनी मम्मी की तरह बातें करना शुरू कर दी, अपनी माँ की तरह मत बनो बेटे। कहाँ चला गया गौरव? गौरव मेरे बच्चे कहाँ चला गया था तू? चाचा जी कहाँ जाएगा, ये गया होगा आवारा गर्दी करने, रोमिंग रोमिंग। अच्छा जरा चुप भी रहो। एक विशेष सूचना, जनता से अपील है कि वो लोग शहर छोड़कर कहीं न जाएं, क्योंकि बस्ती गायब करने वाले जादूगर अब पकड़े गए हैं। अब किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। और इस अनोखे कारनामे को अंजाम दिया है इंस्पेक्टर भवानी सिंह ने, उन्होंने जादूगरों की पूरी टोली को पकड़ा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पेक्टर भवानी सिंह से। नमस्कार नमस्कार, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा काम ना करे, जनता में दहशत ना फैले, लेकिन वो नहीं माने। हाँ वो नहीं माने तो मुझे गुस्सा आ गया, और मुझे गुस्सा आ गया तो आपको मालूम ही है अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर। और मैंने उन्हें उठा के बंद कर दिया, और अब हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और जल्दी ही हम उनके गिरोह तक पहुँच जाएंगे। हाँ लेकिन मेरी जनता से एक खास अपील है कि वो शहर छोड़ के ना जाए, अपने घरों में रहे, अपने पूरे परिवार के साथ रहे, जब तक भवानी सिंह है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को मुझे पूरा विश्वास है, भवानी सिंह पे पूरा विश्वास होगा, ठीक है? नमस्कार। देखने से तो नहीं लगता था, मगर ये भवानी सिंह तो बड़ा बहादुर निकला जी, कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया इसने। तुम्हारे नापा गिरा दे, कभी कामयाब नहीं हो सकते दुश्मनों, सारी बस्तियां मैंने अपने सीमा रेखा के अंदर बांध रखी है। Yeah!
तुम मुझे राजकुमार अल्फा के पास ले चलोगे? क्या कहा नहीं? अब ले चलोगे? हाँ अब आने लाइन पे चलो। जल्दी चलो। नादान छोकरे, क्या समझता था तू प्रिंसेस अल्फा की आंखों में धूल झोंकेगा? अब मैं तुझे ग्रेट फ्यूमांचो के सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगी। नहीं प्रिंसेस अल्फा, जूनियर कोई खिलौना नहीं है जिसे तोहफे के रूप में पेश किया जाए। जी जेम जेमी बूम। राजकुमारी अल्फा से कलाबाजिया खेलता है छोकरे? इस लेजर बीम के जादू से तुझे कौन बचाएगा? बचाएगा जूनियर जी? गाजर खाने के लिए होते प्रिंसेस अल्फा।
सितारों की नानी भाग गई। हेलो। हाँ शाली। राहुल, कल हम लोग क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, तुम भी आओ। नहीं राहुल, मैं नहीं आ सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे कम ऑन यार, जब देखो पढ़ाई की बातें करती रहती हो। एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे स्टूपिड, एग्जाम्स तो अभी 6-7 महीने दूर हैं। फिर गौरव है ना, उसके नोट्स कब काम आएंगे। पर क्रिकेट मैच देखने जाना इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। बेवकूफ, सचिन, राहुल, लक्ष्मण सबको पास से देखने का मौका है। हाउ बोरिंग, टेस्ट मैच 5 दिन चलेगी। अभी तू नाटक मत कर, तुझे आना है तो बोल, नहीं तो हम लोग तो जा रहे हैं। सॉरी राहुल, मैं नहीं आ सकती। तू आती तो अच्छा होता। बट राहुल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देन गो टू हेल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बटाटा, धनिया, पुदीना, बैंगन, दूध। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कैरेट। ए राहुल, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू अपसेट माय सनफ्लावर। हमें कुछ भी कभी नहीं बोलते थे आप, अभी सनफ्लावर क्या है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, सन का मतलब बेटा, फ्लावर का मतलब फूल। उतना तो मुझे भी पता है। गुस्सा क्यों होता है, मैं इतने प्यार से बोलती हूँ तो हर टाइम एंग्री, हमेशा एंग्री। नाश्ता कर ले जा, गो गो। मूड नहीं है मेरा। व्हाट मूड, नाश्ता करो। सेहत कैसे बनेगी बेटा, हेल्थ हेल्थ। नाश्ता करो, चल चल। उसी सामान। गौरव, गौरव। जी चाची। ओ माय लक, तू हमेशा चाची बोलना, कभी आंटी मत बोलना। सॉरी चाची, आई मीन आंटी। ये ले, लिस्ट है सामान की, बाजार जाओ और ये सब सामान लेके आओ। चाची मेरा नाश्ता। चाची मेरा नाश्ता, नाश्ता आके नहीं कर सकता क्या, कहीं भागा जा रहा है नाश्ता। इट विल नॉट रन, गो गो गो। नाश्ता, नाश्ता कर रहा है मेरा बच्चा, वेरी गुड। ग्रेट फिमांचो। जिंकारा। लिंडा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। खबर ही कुछ ऐसी है ग्रेट फिमांचो, राजकुमारी अल्फा वापस टेंगरेला ग्रह भाग गई है। जिंकारा। सैनिक खबर लाया है कि उसका मुकाबला उस छोकरे जूनियर जी के साथ हुआ था। जिंकारा, राजकुमारी अल्फा वापस चली गई, उसने हमें सूचना क्यों नहीं पहुंचाई। कम से कम टेलीपैथी के जरिए हमें सूचित किया होता तो हम उसकी मदद के लिए अवश्य किसी को भेजते। कोई बात नहीं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जिस दिन हमारी मुलाकात जूनियर जी से हो जाएगी, वो दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिंकारा, जिंकारा। क्या राजकुमारी अल्फा जूनियर जी से बदला ले पाएगी, क्या जूनियर जी अल्फा को पकड़ने में कामयाब होगा, अब फिमांचो कौन सी चाल चलेगा, यही सब जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।